हेलो एवरीवन, नमस्कार। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर डेज। वेलकम बैक टू नीरा ग्लोबल स्कूल। आई एम योर एप्टीट्यूड टीचर नेहा वडेरा मैम। सो लेट्स मूव टू आवर टेक्स्ट बुक। प्लीज बी रेडी विथ योर एप्टीट्यूड बुक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न a new chapter, that is chapter number 21, quick multiplication. In our last class we have completed mirror image and water images, right? So now today we are going to do a chapter from part C, that is 21 quick multiplication, right? So please take out page number 58. Yes, this is chapter 21, page number 58. Topic is quick multiplication. Right? Now let's go through this. What is this quick multiplication? See, the product of a number ending in 5 with itself can be done mentally as follow. ये हमें आज प्रोसेस बताएगा। अगर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर दैट एंडिंग विद फाइव, फाइव से जो नंबर एंड होते हैं उसकी प्रोडक्ट कैसे मेंटली निकालने हैं, राइट? इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप इज क्रॉस आउट फाइव फ्रॉम द नंबर। हमें नंबर में से फाइव को रिमूव कर देना है, क्रॉस कर देना है। देन मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय इट्स सक्सेसर। फिर जो नंबर लेफ्ट हो फाइव को रिमूव करना है, फिर जो नंबर बचा उसको उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है। सक्सेसर मतलब जस्ट वन आफ्टर नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर, राइट? देन सफिक्स द प्रोडक्ट बाय 25। देन जो आंसर प्रोडक्ट आया उसको सफिक्स, सफिक्स मतलब उसको ऐड कर देना है, उसके बाद वो नंबर को लिख देना है। आई विल शो यू दिस विद एन एग्जांपल। सी दिस फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हम वही वाला पहले करें। Let's find 75 into 75, right? You also take your rough notebook, so it will be easy for you. Now see how to find 75 multiplied by 75, right? सबसे पहला step, हमें ये 5 को cross कर देना है, right? So we get what number? 7. Then second step is multiply this number with its successor. 7 का सक्सेसर क्या है? नेक्स्ट नंबर 8, 7 के बाद 8, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8, दैट मीन्स यू गॉट 56, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? सफिक्स द प्रोडक्ट बाय 25। ये जो प्रोडक्ट है इसको सफिक्स करना है, मतलब इसके बाद 25 लगा देना है, दैट मीन्स 56। इसको सफिक्स करना मतलब ऐड करना, 25 को ऐड करना है इसके बाद। So your answer will be 5625. See, we get 5625, right? So let's move to exercise. The first one is 15 multiplied by 15. Again, I'm showing you how to do 15 multiplied by 15. First step, हम cross के 5 को, we got 1. इसका successor से इसको multiply करना है, product निकालना है, that is 1 multiplied by 2. That is 2 only. अब इसमें क्या ऐड करना है? सफिक्स करना है, मतलब 25, यानी कि 225. सफिक्सिंग 2 को 25 से करेंगे, बाय 25 विल गेट 225. सिंपल। सो व्हाट वी गॉट हियर? 225. इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। Now 25 by 25 multiplied by 25, again same thing, 55 को cross करो, we get 2, right? 2 को इसके successor से multiply करो, that means 2 3 जा 6. अब इसमें suffix को add करना है, suffixing मतलब 25 को लगा देना है, 625, same, cross किया, we get 3,
थ्री को मल्टीप्लाई करना है उसके सक्सेसर, उसके आफ्टर नंबर से, यानी कि 3 4 दैट इज 12, राइट। और हमें क्या ऐड करना है, सफिक्सिंग करना है 25, दैट इज 1 2 2 5, वी गेट 1 2 2 5। सेम इन दिस, 5 को क्रॉस किया, 4 का नेक्स्ट नंबर, 4 5 20, यू विल गेट 20, देन 2 5 सफिक्स, गॉट इट। सो दिस इज इजी, लेट्स सी, आई एम डूइंग 5 1 फॉर ऑल्सो यू, क्रॉस 5, वी गेट नंबर 5, 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, दैट इज 5 6 30, एंड यू 25 को लगाना है सफिक्सिंग, तो वी गेट 3 0 2 5। सो ट्राई टू डू दिस, राइट, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू, ओके। सेम ऐसे ही करना है आपको, चलो आई विल शो यू नंबर, चलो 3 डिजिट वाला आई विल शो यू, ओके, दिस यू कैन डू। 9 हम करें, सॉरी 10 करें, राइट, आपको 5 5 को कट करना है, राइट। अब 99 के आफ्टर 100 100 से मल्टीप्लाई करना है, विल गेट 99 000 00, इसको 99 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस मच 9 9 00, एंड 25 को सफिक्सिंग करना है, गॉट इट। सेम ये भी आपको मैं करके दिखा देती हूँ, राइट, 10 मल्टीप्लाइड बाय 11, 10 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्योंकि इसका 10 के आफ्टर 11 वी आर गेटिंग, सो व्हाट यू विल गेट, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, वी विल गेट 110, एंड देन यू हैव टू सफिक्स 25, सफिक्सिंग करना है, दैट इज 11025। सेम यहां भी ऐसे करना, 9099 को 1000 से मल्टीप्लाई करना, एंड उसमें 25 सफिक्सिंग कर देना, इट्स वेरी इजी, राइट। देखो आपको मैं दिखा देती हूँ, 1000 इसके बाद 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट, राइट, सफिक्सिंग किया 25, सॉरी 999 के बाद 1000, राइट। व्हाट वी हैव टू डू, हमें प्रोडक्ट निकलना है इसका और इसके आफ्टर नंबर से, इट मींस आई एम शोइंग यू 99 मल्टीप्लाइड बाय 1000, फिर उसमें से फिक्सिंग 25 कर देना है, तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर यू विल गेट 9,99,000, से फिक्सिंग किया 25 को, इजी। सेम वे यू कैन डू दिस, इट्स वेरी इजी, जस्ट नंबरिंग आपका बड़ा हो गया बट है इजी, यू कैन डू इट, ओके। 5 को कट करो, आफ्टर नंबर से मल्टीप्लाई करो, एंड देन 25 से फिक्सिंग करना है आपको, से फिक्सिंग मतलब लगा देना लास्ट में 25, यू विल गेट द आंसर, राइट। नाउ अ कैप कॉस्ट ₹65, what is the cost of 65 such caps, it means 65 multiplied by 65, तो 5 5 को हम कट करेंगे, so you will get 6, 6 को next number से multiply, that is 6 7 42, right, 42 मिला, और 25 we have to add, same this 195, a school has 195 students. Each student contributed as many rupees as the number of students in the school. What is the total collection? A school has 195 students. Each student contributed as many rupees as the number of students in the school. Means 195 students है और same उतना ही rupees उन्होंने distribute किया, यानी कि per head ने 195 ही rupees donate किया. तो what is the 195 मल्टीप्लाइड बाय 195, अगेन 5 5 कट, व्हाट यू गॉट, 19 19 का नेक्स्ट नंबर 20,
you will multiply 19 multiplied by 20, you will get 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 19 जा 38 और एक 0 20 है इसलिए, एंड यू गेट 25 लास्ट में. सो दिस इज योर आंसर, राइट? सो जस्ट ट्राई करो एंड यू विल एंजॉय दिस रियली. पहले मुझे भी लगा कैसा होगा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया आई रियली एंजॉयड. सो आप भी करो, इट विल हेल्प यू लॉट्स. ये बहुत हेल्प करेगा आपको. तो एक सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट इंटरेस्ट एंड यू कैन सॉल्व एवरीथिंग. ओके, सो ऑल द बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट. ओके, दिस इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टू. सो प्लीज डू इट. बाय बाय, सी यू सून.